बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। इसके लिए मैंने लिया है मटन 1/2 kg, 1 पाव हमने लिया आलू, थोड़े से आलू मैंने छील के काट लिए हैं और ये मैंने छील लिया। मैं इनको आपको काट के दिखाती हूँ कैसे काटने हैं। दो हमने लिया प्याज, उनकी कटिंग कर ली है। दो टमाटर लिए हैं, उनको भी हमने काट लिया। दो हरी मिर्चें लिए, 2 टेबलस्पून हमने लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। एक हमने लिया प्रेशर, इसके अंदर हम गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में हमें जो चीज़ें चाहिए वो है नमक 1 teaspoon, भर के चम्मच हमने डाला है, 2 से 3 लौंग हैं, दालचीनी 1/2 teaspoon जितना ज़ीरा है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, 1/2 teaspoon लाल मिर्च, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon काली मिर्च, काली मिर्च पाउडर डाला है, 3 ग्लास हम डालेंगे पानी, 2, 3। अब हम इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, मीडियम आंच पे प्रेशर लगाएंगे। दस मिनट हो गए हैं प्रेशर लगाए, अब हम प्रेशर खोल देते हैं। पानी खुश्क हो गया, 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। गोश्त है वो गल गया, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे आलू, अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी, जितना आपको शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें। आलू गलने तक अब हम इसको ढक के पकाएंगे। आलू जो है वो गल गए, अब हम इसके अंदर 1/2 teaspoon से भी कम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आलू गोश्त हो गया हमारा रेडी, अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए जी, हमने इसको कर लिया डिश आउट। ये देखिए जी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।